Hello everyone. So welcome to Jaidev classes for JRF in political science. So आज मैं आप लोगों को important thinkers and their concepts करवाऊंगी short में. So चलिए start करते हैं. ठीक है. So आज मैं आप लोगों को जो important चीजें कराने वाली हूँ ये काफी ज़्यादा important है आपके exam के लिए. So सारे बच्चे इन्हें note कर लेना. ठीक है. चलो. So first है can the subaltern speak. Can the subaltern speak किसका है? ये गायत्री स्पिवाक का है. मल्टीपल लॉजिक ऑफ अनार्की है कैनेथ वॉल्स का. स्लिपिंग जाइंट किसे कहा जाता है? चाइना को. किसने कहा था? नेपोलियन ने कहा था. वंस अ स्पीकर इज ऑलवेज अ स्पीकर, ये किसके लिए बोला जाता है? यूनाइटेड किंगडम के लिए. लिबर्टी सोवरेनिटी कैन नॉट ब्रेक बिकॉज सोवरेनिटी सेंट्रलाइज्ड, स्वतंत्रता टूट नहीं सकती. क्यों नहीं? क्योंकि संप्रभुता का केंद्रीकरण होता है. तो ये किसने कहा था? ये कहा था ऑस्टिन ने. आयरन कर्टेन ये किसका है? चर्चिल का. तो इसमें उन्होंने क्या कहा था? ईस्टर्न यूरोप को, वेस्टर्न यूरोप का कनेक्शन को खत्म होना चाहिए, ये चीज बोलते हैं. उसके बाद आता है होमो हायरार्कीज जो है आप लोगों का, है ना. तो ये किसका है? ल्यूस डे मोंट का है, तो ये ध्यान रखना. उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का थ्योरी ऑफ पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म. तो थ्योरी ऑफ पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म किसका है? सीबी मैकपर्सन का, तो ये ध्यान रखना बच्चों. ये वाला आपका होमो हायरार्कीज हो जाएगा. ठीक है. होमो हायरार्कीज तो लुइस डे मोंट का है. ये थ्योरी ऑफ पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म किसका है? सीबी मैकपर्सन का. इंडिया में पंचायत कहते हैं, इसराइल में क्या बोलते हैं? किबूत्स. क्या बोलते हैं? किबूत्स. पॉलिटिकल इनइक्वालिटी और कॉन्स्टिट्यूशनल इनइक्वालिटी की बात किसने की थी? रोनाल्ड वत्स ने. किसने की थी? रोनाल्ड वत्स ने. एक्सेप्टेंस थ्योरी ऑफ अथॉरिटी किसने बताई? एक्सेप्टेंस थ्योरी ऑफ अथॉरिटी को बताते हैं चेस्टर बर्नार्ड. किसने बताया था? चेस्टर बर्नार्ड ने. रिसोर्सेज एग्लिटेरियन, तो इसकी बात कौन करते हैं? जॉन रॉल्स करते हैं. कैच ऑल पार्टी मॉडल किसने दिया था? ऑटो क्रिजीमर ने दिया था. किसने दिया था? ऑटो क्रिजीमर. उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रेवोल्यूशन किसका है? थॉमस कुन का. किसका है? थॉमस कुन. मैन नॉट फॉर रिलीजन, रिलीजन फॉर मैन. किसने कहा था? आदमी धर्म के लिए नहीं, धर्म आदमी के लिए है. तो ये कौन बोलते हैं? अम्बेडकर बोलते हैं. न्यू फंक्शनलिज्म से कौन आते हैं? अर्नेस्ट हास आते हैं. इंस्टीट्यूशनल रिवॉर्ड सिस्टम की बात किसने की थी? पॉल ब्रास ने की थी. पेट्रोनिस डेमोक्रेसी की बात कौन करते हैं? कंचन चंद्रा ने की है. पार्टी सिस्टम की बात द्वेपन भट्टाचार्य करते हैं. नॉलेज ऑफ पावर को किसने बताया था? नॉलेज एंड पावर. ठीक है. नॉलेज एंड पावर अगर आप देखोगे तो ये कौन बताते हैं? माइकल फकोल्ड बताते हैं नॉलेज ऑफ पावर. देयर इज ऑलवेज फॉर समवन फॉर सम पर्पस, ये किसने कहा? ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये कोट है रॉबर्ट कॉक्स की. किसकी है? रॉबर्ट कॉक्स की. देयर इज ऑलवेज फॉर समवन फ्रॉम सम पर्पस. स्ट्रगल फॉर पावर की बात मॉर्गेंथाउ ने की. वेयर आर द वुमेन किसकी है? वेयर आर द वुमेन बुक है सिंथिया इन लॉ की. ठीक है. सिंथिया इन लॉ की है ये, तो ध्यान रखना सिंथिया इन लॉ. उसके बाद नेक्स्ट है आप लोगों का सन ऑफ सॉइल, ये माइग्रेशन एंड एथिक्स कॉन्फ्लिक्ट इन इंडिया, मायरन विनर की है. व्हाई एथिक्स पार्टी सक्सीड, तो ये किसकी है? 2004 की कंचन चंद्रा की है. द हिंदू नेशनल मूवमेंट इन इंडिया, तो ये किसकी है? जेफरलेट की है ये, जेफरलेट. ठीक है. तो ये ध्यान रखना जेफरलेट एरो, ये आप लोगों के जेफरलेट नाम याद रखना. ठीक है आप लोग. उसके बाद फंडामेंटल रिसर्च इन एडमिनिस्ट्रेशन किसका है? हर्बर्ट साइमन का है. डायनामिक एडमिनिस्ट्रेशन एमपी फॉलेट का है. ह्यूमन प्रॉब्लम ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन पे कौन बात करते हैं? एल्टन माओ. न्यू पॉट पैटर्न ऑफ मैनेजमेंट किसका है? आर लिकर्ट का है. सोशल ओरिजिन ऑफ डिक्टेटरशिप एंड डेमोक्रेसी, लॉर्ड एंड प्रेजेंट इन द मेकिंग ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड, तो ये किसका है? बैरिंगटन मूर का. ठीक है. बैरिंगटन मूर, तो ये ध्यान रखना बैरिंगटन मूर. सोशल ओरिजिन ऑफ डिक्टेटरशिप एंड डेमोक्रेसी, ये किसका होगा? बैरिंगटन मूर का. प्रॉब्लम ऑफ डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन एंड कंसोलिडेशन, ये किसका है आपका? जो प्रॉब्लम ऑफ डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन एंड कंसोलिडेशन, ये लिंस का है. ठीक है. किसका है? देखो मैं आप लोगों को लिंस करके नाम है इनका, पूरा नाम मैं आपको बता देती हूँ. तो प्रॉब्लम ऑफ डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन ये है जॉन जोसे लिंस. ठीक है. ये बिल्कुल राइट, बिल्कुल ठीक लिखी हुई है, जॉन जोसे लिंस. ठीक है. तो ये इनका नाम है जॉन जोसे लिंस, काफी इंपॉर्टेंट है. मॉडर्निटी ऑफ ट्रेडिशन पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन इंडिया, लॉर्ड एंड सुसान रुडोल्फ. ठीक है.
कैपलरीज ऑफ पावर किसने दिया था ये कॉन्सेप्ट, कौन बताता है कैपलरीज एंड पावर एज पावर को, कौन बताता है? माइकल फोकोल्ट. साइलेंट वोटर साइलेंट मेजोरिटी टर्म किसने कॉइन की थी? रिचर्ड निक्सन ने. किसने की थी? रिचर्ड निक्सन ने. आइडिया ऑफ जॉब इनरिचमेंट हजरबर्ग का है ना, किसका है? फेडरिक हजरबर्ग का. इंस्ट्रूमेंटलिस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट डिबेट जो है नेचर ऑफ कैपिटल स्टेट टेकन प्लेस, तो ये किसकी है? राल्फ मिलीबैंड की और पोलांतस की. किसकी है? इंस्ट्रूमेंटलिस्ट स्ट्रक्चर डिबेट ऑन द नेचर ऑफ कैपिटल स्टेट, तो इस पर कौन बात करते हैं? राल्फ मिलीबैंड एंड निकोलस पोलांतस. प्रिंसिपल मेकिंग सब बेटर विदाउट मेकिंग वर्स, दूसरे को अच्छा बनाना उसको बेकार बनाए, तो ये किसका प्रिंसिपल है? पैरेटो का ऑप्टिमैलिटी का प्रिंसिपल है. किसका है? पैरेटो का ऑप्टिमैलिटी. लेवल जंपिंग जब ऑर्गेनाइजेशन में होती है तो इसे क्या बोलते हैं? गैंग प्लैंक. किसने दिया था? हेनरी फ्योल ने दिया था गैंग प्लैंक, है ना. फाउंडेशन ऑफ वॉर किसका है? रॉबर्ट गिलपिन का है. इसके अंदर उन्होंने वंस अ स्टेटमेंट ऑफ अनदर स्टेट पावर ये बताया था. उसके बाद पोस्ट मॉडर्निस्ट ओरिजिन ऑफ स्टेट को बताते हैं, तो उन्होंने क्या कहा इसको? जेनियोलॉजी कहा. जब वो ओरिजिन ऑफ स्टेट को बताते हैं तो उसको क्या कहते हैं? जेनियोलॉजी. एथनो सिम्बोलिस्ट अप्रोच, तो ये किसकी है? एंथोनी डी स्मिथ की है ना. एथनो सिम्बलिज्म एंड नेशनल विद कल्चरल अप्रोच, ये इनकी बुक है. उसके बाद सोशल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन किसने दी थी? अलेक्जेंडर वेंड ने दी थी. प्रोपोगेंडा मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन फंक्शनिंग ऑफ द मास मीडिया यूनाइटेड स्टेट, तो ये कौन बोलते हैं इस पे? ये किसने दिया है? ये दिया है एडवर्ड हरमैन ने और नोआम चोमस्की. इनका नाम क्या हो जाएगा? नोआम चोमस्की. तो ये ध्यान रखना, वही चीज है थोड़ी स्पेलिंग का पता है क्या हुआ है, ये बस आगे जाके मिल गया है. देखो नोआम चोमस्की, आप इसे पूरा पढ़ोगे नोआम चोमस्की, है ना. क्लोज रिलेशनशिप कौन बताता है वॉर मेकिंग और स्टेट मेकिंग में? तो चार्ल्स टिली ने बताया था. किसने बताया था? चार्ल्स टिली ने. कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी को जो थर्ड कॉन्सेप्ट है फ्रीडम एज नॉन डोमिनेशन, किसने बताया? फिलिप पिटिट ने बताया था. किसने बताया था? फिलिप पिटिट ने. संस्कृताइजेशन टर्म किससे जुड़ी हुई है? एम एन श्रीनिवास से. संस्कृताइजेशन टर्म किससे जुड़ी हुई है? एम एन श्रीनिवास. उसके बाद आता है नेचुरल लॉजिकल क्रिटिक ऑफ फाउंडेशन ऑन नेचुरल लॉ. नेचुरल लॉ थ्योरी किसने बताई? डेविड ह्यूम ने. पीस ऑफ वेस्टफेलियन कब की है? 1648 की है. पीस ऑफ यूट्रेच कब की है? 1713 की है. वियना कब की है? 1815 की है. और वर्साइल कब की है? ये वर्साइल है, ठीक है. वायसराय की संधि जिसे हम बोलते हैं, स्पेलिंग थोड़ी सी, ये एक बच्चे ने बनाया है, ठीक है. तो ये वर्साइल्स, तो ये ध्यान रखना. तो वर्साइल्स अगर आप देखोगे तो ये किसका हो जाएगा? ये हो जाएगा 1919. भीकू पारेख अगर आप देखो तो टू सेंटर कॉन्सेप्ट है पॉलिटिकल लाइफ के, तो उन्होंने एक धर्मा बताया और दूसरा अर्था बताया, अर्था, ठीक है, ये ध्यान रखना. भीकू पारेख. नेचुरल राइट को नॉनसेंस अपॉन स्टिल्ट्स कौन बोलते हैं? जेरेमी बेंथम ने कहा था. उसके बाद सिक्स प्रिंसिपल्स का रियलिज्म फेमिनिस्ट क्रिटिक कौन करती हैं? जे एन टिकनर. स्टेट को नेसेसरी ईविल किसने कहा? अनार्किस्ट ने. स्टेट को इसको अननेसेसरी बोला था, ठीक है, ध्यान रखना. क्या बोला था? अननेसेसरी. तो ध्यान रखना, स्टेट को अननेसेसरी ईविल किसने कहा था? अनार्किस्ट ने. स्टेट को नेसेसरी ईविल क्लासिकल लिबरल्स बोलते हैं, यानी थॉमस पेन. सेकेंड सेक्स बुक किसकी है? साइमन दे बिहेवियर की. प्लूरलिस्ट थ्योरी किसने दी? रॉबर्ट डहल ने. प्रिंसिपल डिस्टेंस पे बात कौन करते हैं? राजीव भार्गवा करते हैं. होमोसेक्सुअल ग्रिड की किसने दिया ये कॉन्सेप्ट? किसका है होमोसेक्सुअल ग्रिड? एरिसन जैगर का. फंक्शनलिस्ट अप्रोच किसने दी? डेविड मित्रे ने दी थी, है ना. कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली इज अ वन पार्टी बॉडी वन पार्टी कंट्री, ये किसने बोला था? ऑस्टिन ने. कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली इज अ वन पार्टी बॉडी और वन पार्टी कंट्री, ये ऑस्टिन बोलते हैं. ग्लास सीलिंग किसने बताया? ये किसका कॉन्सेप्ट है? मरियम वेबस्टर का. किसका है? मरियम वेबस्टर. यानी ग्लास सीलिंग किसे कहते हैं? ग्लास सीलिंग कहते हैं इनटेंजिबल बैरियर्स, है ना, एक हायरार्की में जो होते हैं, जो वुमेन को प्रिवेंट करते हैं, माइनॉरिटीज को प्रिवेंट करते हैं एक लेवल पोजिशन को लेने में. जैसे आपने देखा होगा कि महिलाएं, अरे ये तो गाड़ी चला ही नहीं सकती हैं, तो हमेशा ऐसे, तो ये क्या है, एक तरह से ये बैरियर हो गया ना उनके लिए, एक पर्टिकुलर थिंकिंग बना रखी है ना, ये देखना. तो ये ध्यान रखना, ये हो जाएगा ग्लास सीलिंग. उसके बाद नेक्स्ट है आपका प्रेजेंट कास्ट इन पॉलिटिक्स, रजनी कोठारी, है ना. प्रेजेंट कास्ट इन पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल स्टेट पे बात किसने की थी? रजनी कोठारी. तीन चीजों को बताते हैं, सेक्युलरिज्म, इंटीग्रिटी और एजुकेशन. इंपीरियलिज्म इज द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, किसका है? लेनिन का. परमानेंट रेवोल्यूशन किसने दिया था? लियोन ट्रॉट्स्की ने दिया था. आइडियोलॉजिकल रिप्रेसिव स्टेट अप्रोच किसने दी? लुई ऑल्थोजर ने दी थी. लुई ऑल्थोजर, ठीक है, लुईस ऑल्थोजर हो जाएंगे. पावर को कैपलरी एक्शन किसने बताया? फोकोल्ट ने.
पावर को लेजिस्लेटिव अथॉरिटी कौन बताते हैं? वेबर बताते हैं। हेजेमनी पे बात किसने की थी? ग्राम्सी ने की थी। पावर को कलेक्टिव एक्शन किसने बताया था? तो हन्ना अर्डेंट ने बताया था। गाया हाइपोथेसिस किसका है? जेम्स लवलॉक का है। सीमलेस वेब पर बात किसने की है? सीमलेस वेब यानी सहज वेब। तो ऑस्टिन के 3 threads बताए थे उन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सीमलेस वेब के। तो पहला बताया था यूनिटी, दूसरा डेमोक्रेसी और तीसरा सोशल रेवोल्यूशन। इक्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज किसका है? ये है रोनाल्ड वर्किन का। इंपीरियलिज्म आ सोशल क्लासेस जोसेफ सम्पीटर की है। इंपीरियलिज्म आ स्टडी हॉब्सन की है। कल्चर एंड इंपीरियलिज्म एडवर्ड सेड की है और कल्चरल इंपीरियलिज्म जॉन टॉमिलसन की है। यूज ऑफ नवल शिप फॉर साइनिंग इंटेंशन फॉर एडवर्सरी इज नॉन एज, तो इसको गनबोट डिप्लोमेसी बोलते हैं, यानी यूज करना नेवल शिप्स का, यूज करना साइन करने के लिए इंटेंशन टू एडवर्सरी या फिर अदर स्टेट के साथ एडवर्सरी, है ना। तो इसको गनबोट डिप्लोमेसी बोलते हैं। कंटेनमेंट थीसिस किससे जुड़ी हुई है? जॉर्ज एफ कैनन से। जॉर्ज एफ कैनन कंटेनमेंट 4 P's किसने दिए थे? डोनाल्ड सी स्टोन ने दिए थे। प्लान, प्रोग्राम, प्रोजेक्ट, पॉलिसी। सॉरी, नेक्स्ट है इन डिफेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन किसका है? जगदीश भगवती जी का है। न्यू इंडस्ट्रियल स्टेट पे कौन बोलता है? जेके गैलब्रेथ ने बोला है। डिफरेंट वॉइस ये किसकी है? कैरोल गिलिगन की। जस्टिस इज गिविंग एवरीवन इज ड्यू किसका है? सिसरो का है। प्रोपोर्शनल इक्वालिटी पे किसने बोला? एरिस्टोटल ने। मेथड ऑफ बैलेंस ऑफ पावर के कौन कौन से मेथड है? तो इसमें हम कंपनसेशन दे सकते हैं, अलायंस कर सकते हैं, इंटरवेंशन और नॉन इंटरवेंशन, डिवाइड एंड रूल और बफर स्टेट। तो दीज आर मेथड्स ऑफ बैलेंस ऑफ पावर। मैट्रियार्कल थ्योरी किसने दी? मैकलीन ने, ठीक है, मॉर्गन ने और जेंक्स ने, तो ये ध्यान रखना। उसके बाद स्वतंत्रता समानता एक दूसरे को पूरक मानने वाले विचारक कौन से हैं जो लिबर्टी इक्वालिटी को कॉम्प्लीमेंट्री बात मानते हैं? तो टोनी है, लास्की है, मैकपर्सन है ना। यूएन डिकेड फॉर वुमेन कब से कब तक था? 75 से 85 तक। संप्रति एक्सरसाइज किसके इसके बीच में हुई है? तो संप्रति एक्सरसाइज हुई इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। डिसीजन मेकिंग थ्योरी किसने दी थी? रिचर्ड सिंडर ने दी थी। 4 P गुलिक के कौन कौन से हैं? तो पर्पस, प्रोसेस, पर्सन, प्लेस। प्लूरलिस थ्योरी ऑफ सोवरनिटी जो है ये किसने क्रिटिक कौन करता है? प्लूरलिस थ्योरी ऑफ सोवरनिटी को लास्की और मैकवेबर। उसके बाद 90 है प्लूरलिस थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी, प्रोसीड्यूरल थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी किसकी है? रॉबर्ट डहल की। तो ये जितने भी पॉइंट्स मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सो अगर आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी, ठीक है, आप लोगों को ये पॉइंट्स अच्छे लगे तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं एंड थैंक यू। इसके साथ साथ मेरी डेली प्लस क्लासेस और स्पेशल क्लासेस हो रही हैं, तो ये दोनों कोर्सेज चल रहे हैं। 3 classes हो रही हैं और स्पेशल क्लासेस 4 बजे होती हैं, 8 बजे सीरीज चल रही हैं आप लोगों की, है ना। प्लस सब्सक्रिप्शन लेके आ सकते हो, यूज़ करना कोड मीनाक्षी लाइव, आपको कम का पड़ जाएगा सब्सक्रिप्शन, ठीक है। सो यूज़ कोड मीनाक्षी लाइव फॉर गेटिंग 10% डिस्काउंट। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय टू ऑल। थैंक यू।